सिग्ना 4018 है, इसमें हेडलाइट बहुत कम जलता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 पिन का ड्यूल रिले लगाएंगे, ओरिजिनल है ये, है आपका 40 एम्पियर का है, 500 वाट का है, 24 वोल्ट KNY का ओरिजिनल रिले है। तो इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे रिले लगा हुआ है, फ्यूज बॉक्स है, ये आपका लो का हो जाता है, ये हाई का हो जाता है, ये रिले है यहाँ पे लगा रहता है। इसको काट करके देखिए यहाँ से निकाल दिए हैं, और इसका फ्यूज बात करें तो एक यहाँ देखिए राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, लो का है, हाई का है, ऊपर है, ये लो है, ये हाई है। अब इसमें कनेक्शन समझाते हैं आपको हम कि किस प्रकार से किया जाता है। ये जो तार आपको दिख रहा है वाइट वाला, और रेड पे जो पीला लकीर का धारी है, इसमें 24 वोल्ट का सप्लाई आता है डायरेक्ट, चाबी ऑन रहे या ना ऑन रहे, ये दोनों ग्राउंड रहता है। और ये हो जाता है आपका लो बीम का तार, जो आपका कॉम्बिनेशन स्विच के पास से आता है, और ये हाई बीम का होता है, और ये हेडलाइट का होता है हाई बीम का, और ये होता है लो बीम का। तो इसको कनेक्शन समझेंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। ये रिले इसलिए लगाते हैं कि लाइट अगर कमज़ोर रहेगा, ये लगा दीजिएगा रिले, तो बहुत बम्फार लाइट हो जाता है, कोई तरह शिकायत नहीं होता है। कनेक्शन देखते हैं इसका कैसे कनेक्शन होता है एक मरतबा, और इसमें तो कनेक्शन आप बिल्कुल समझ लें अच्छी तरीके से। अब इसका कनेक्शन समझेंगे, इसमें 6 पिन है, और इसको 6 पिन का वायर बनाया जाए, जैसे 2 हो गए यहाँ, और एक ग्राउंड हो गया 3, एक हो गया जो डंडी से आ गया 4, एक यहाँ से हो गया एक और डंडी से आ गया 5, और एक ये है 6 हो गया टोटल, ठीक है 3। तो ये 6 पिन का रिले है, इसमें तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें। अब इसमें समझना है, देखिए इसमें भी 6 पिन का रिले है, और ये जो होता है ये आपका 24 वोल्ट का सप्लाई होता है, और जो आपका ब्लैक वाला है जस्ट के नीचे वाला, ये हो जाता है ग्राउंड, और ये जो मोटा वाला तार है ये जाएगा हेडलाइट के तरफ, और ये जो पतला वाला तार है ये कॉम्बिनेशन स्विच के तरफ। कभी भी देखिए इसमें भी ऐसा ही सप्लाई है, मोटा वाला तार जो हेडलाइट जलता है, और ये जो पतला वाला ही कॉम्बिनेशन स्विच डंडी के पास से आया हुआ है। तो कनेक्शन इसका ऐसे करते हैं, जैसे ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड को यहाँ पहले लगा लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले ग्राउंड वाला में ही टेप मारेंगे, नहीं तो शॉर्ट करता है। ये ग्राउंड वाला लग गया, इसको पहले टेपिंग कर लेते हैं, और लाइट देखिएगा कैसा बम्फार हो जाएगा। एक रिले, कोई कोई गाड़ी में तो हम लोग एक हेडलाइट पे एक रिले लगा देते हैं, दो हेडलाइट पे दो रिले लगा देते हैं, और बम्फार हो जाता है। उस्ताद हेडलाइट जलाइएगा, और जैसे यहाँ ग्राउंड लग गया, हेडलाइट जलाइए आप जी, हेडलाइट जलाइए, मेन वाला इस पर मेन सप्लाई आ रहा है, बोलिएगा मेन सप्लाई आ रहा है कैसे मुकर्रम भाई, थोड़ा सा चेक करवा दीजिएगा। ये दोनों जो मेन रहता है ना भाई, एक ही में मर्ज कर दीजिए, एक ही में मर्ज कर देना है। देखिए आ रहा है मेन, अभी आप एक सेकेंड, और ये जो मोटा वाला तार है इसमें लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिम फुल जो देखेंगे बाद में देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसको किधरों भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये दोनों लग गया नहीं, ये जाएगा ठीक है, ये जो रेड वाला तार है ये जाएगा आपका मेन में, यहाँ आ गया, ये चल गया यहाँ, और एक और जो मोटा वाला तार है ये आ गया यहाँ। अभी डिम जलाएं कि फुल, डंडी नीचे है कि ऊपर है, यहाँ पे रेड वाला लग गया जिसपे 24 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, ये ब्लैक वाला जो तार है वो ग्राउंड में लगा दिए, और एक मोटा वाला इसमें लगा दिए जो सबसे ऊपर रहता है, जो पॉजिटिव साइड से रहता है, जैसे 3 ऊपर है 3 नीचे, ऊपर वाला जो है आपका ये हेडलाइट के बल्ब में जाएगा। ये दोनों चल गया, दोनों पतला वाला रह गया, इसमें आता है डिम वाला, और कभी भी डंडी अगर ऊपर रहेगा तो डिम काम करेगा, अगर नीचे रहेगा तो फुल काम करेगा। देखिए जल गया उस्ताद, और फुल मारिए, फूल मारिए, नीचे कीजिए डंडी, जाइए जी। देखिए कनेक्शन, कनेक्शन एक मरतबा और समझ लीजिए, 6 पिन का रिले है, सबसे वो बीच वाला जो पिन है रेड वाला तार, ये लग जाएगा आपका पॉजिटिव में, पतला पतला दोनों तार जो रहता है, जो नीचे रहता है तो इसका नीचे जो रहता है वो लग जाएगा आपका दोनों कॉम्बिनेशन स्विच में आएगा, जो मोटा वाला रहता है वो जा करके हेडलाइट में लगेगा। टेपिंग नहीं करेंगे अभी, थोड़ा सा हेडलाइट का देखेंगे किस प्रकार से, कैसा हेडलाइट है इसका। चला डिम फुल मारो, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा लाइट भी उधर वाला कमजोर है, बाकी ठीक जल रहा है, क्या दिक्कत है।